सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। दुनिया भर में बुधवार को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस्तीफे की फर्जी खबर फैल गई। इसे लेकर अमेरिका समेत दुनिया भर में ट्रंप के विरोधी लोग जश्न मनाने लगे। दरअसल बुधवार को अमेरिका में वॉशिंगटन पोस्ट न्यूज़पेपर के फर्जी संस्करण का व्हाइट हाउस के आसपास और वॉशिंगटन के व्यस्त इलाकों में खुलेआम वितरण हुआ। इसमें दावा किया गया कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस्तीफा दे दिया है। मूल न्यूज़पेपर के संस्करण की तरह ही इसे पेश किया गया। इसमें 6 कॉलम में एक बड़ा सा शीर्षक दिया गया, अनप्रेसिडेंटेड ट्रंप हैज़ली डिपार्ट्स व्हाइट हाउस एंडिंग क्राइसिस। इस लीड न्यूज में 4 कॉलम में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर लगी हुई है, जिसमें वो सिर नीचे झुकाए परेशान नजर आ रहे हैं। न्यूज़पेपर में 1 मई 2019 की तारीख भी दर्ज थी। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक पेंसिल्वेनिया एवेन्यू और व्हाइट हाउस के बाहर इस न्यूज़पेपर को बांट रही एक महिला ने कहा कि वॉशिंगटन पोस्ट का ये विशेष संस्करण लीजिए, ये मुफ्त है, आपको ये कभी नहीं मिलेगा। महिला प्लास्टिक बैग में न्यूज़पेपर का बंडल रखकर वहाँ से गुजरने वाले लोगों को उसे निकालकर न्यूज़पेपर थमा रही थी। वहीं ये मामला सामने आने के बाद वॉशिंगटन पोस्ट ने ट्वीट करके अपना स्पष्टीकरण जारी किया है। वॉशिंगटन पोस्ट ने कहा है कि ट्रंप के इस्तीफे की फर्जी न्यूज वाले अखबार का वितरण किया गया है। इस फर्जी न्यूज़पेपर से वॉशिंगटन पोस्ट का कोई लेना देना नहीं है। इस घटना की जाँच की जा रही है। हालांकि अभी इस खबर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और व्हाइट हाउस की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।